हेलो दोस्तों, ख्वाजा सर्विस सेंटर में फिर से आपका धन्यवाद। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो दिखाने वाला हूं। इस वीडियो में दिखाऊंगा BS6 का अपाची RTR का ब्रेक था, जिसमें आवाज़ आ रही थी और बहुत सारी आवाज़ आ रही थी, जिस वजह से डिस्पैड में आवाज़ आ रही है। डिस्पैड भी इसके लूज़ थे, जिस वजह से दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों अभी मैं खोल के इसको सेट करता हूं और दिखाता हूं वो क्या दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अंदर इसके 12 नंबर के दो नट खोल लेता हूं, और इसके बाद हम दोस्तों अभी 5 KL की ले लिए मैंने, इसके ये बोल्ट डीले कर लेते हैं। अब उसके बाद खोल के दिखाते हैं आपको क्या। तो दोस्तों ये वाला सेंसर है आपका, ये सेंसर को ज़रूर खोल लें, क्योंकि इसको खोल लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी और इसको टूटने से बहुत दिक्कत होता है, जिसकी वजह से ABS ब्रेक काम नहीं करेगा और नहीं दिखाएगा। ABS का जो सेंसर है वो आपको पूरी तरीके से अपना काम करता हुआ नहीं दिखाएगा, तो इसकी वजह से इस पेज को ज़रूर खोल लें। तो दोस्तों अभी सेंसर को निकाल लेते हैं, अब इसके बाद ये डिस्क भी निकाल लेते हैं। 5 KL से बराबर बराबर करके ये बोल्ट खोल लेने और डिस्पैड बाहर निकाल लेने, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो डिस्पैड निकाल लेते हैं और चेक करते हैं क्या दिक्कत है। तो दोस्तों डिस्पैड ले लिए, अभी इनको थोड़े से साफ़ कर लेते हैं, और इनकी साफ़ करने के बाद फिर इसके अंदर फिटिंग करते हैं, और हल्का सा ये डिस्क के जो पिस्टन है, पिस्टन पर हल्का सा ब्रेक ऑयल लगा लेंगे साफ़ करके, और ये पूरी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों अभी इन पर हल्का सा साफ़ करके लगा के सेट करते हैं। तो दोस्तों डिस्पैड हमने पूरी तरीके से सेट कर लिए, पूरे साफ़ कर लिए, बढ़िया तरीके रेगमाल से साफ़ कर लिया है, और अभी इसके ऊपर हम फिटिंग करते हैं। उसके अंदर फिटिंग करके फिर दिखाते हैं, फिटिंग करके इसको पूरी तरीके से फिटिंग करना है बढ़िया साफ सेट करके। अब पहले डिस्पैड हम लोग सबसे पहले लगा लेते हैं इसके अंदर, तो डिस्पैड हमारा तरीके पूरी तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से, और दूसरा डिस्पैड इसके बाद फिर यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे इसी के बराबर में। तो दोस्तों डिस्पैड लगाने के बाद हम अभी हम इसके अंदर ये लगा लेते हैं पिन, दोनों साइड ही पिन लगा लेंगे ग्रीस लगा के। तो दोस्तों यहाँ हमने पूरी तरीके से पिन बिठा दी, यहाँ टाइट कर देंगे इसको। तो दोस्तों अभी मैंने पूरी तरीके से फिट कर लिया, अब इसके अंदर सेट कर देते हैं इसको। तो यहाँ इसको सेट कर देंगे, तो 12 नंबर के दो बोल्ट लगा देने इसके अंदर इस तरीके से, एक नीचे लगाना है एक ऊपर लगाना है। तो दोस्तों सेंसर ज़रूर लगा लें, जिसकी वजह से ये सेंसर पूरी तरीके से काम करता हुआ दिखाएगा ABS ब्रेक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों टायर हमारा पूरी तरीके से फ्री हो चुका है, अब इसके बाद हम ब्रेक भी पूरा सही से लग रहा है बढ़िया तरीके से, और टायर भी पूरा फ्री हो चुका है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है पिस्टन में हल्का सा ऑयल लगा देंगे तो जिसकी वजह से हमारी परेशानी दूर हो सकती है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, डिस्क ब्रेक हमारा कम्प्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतने काफ़ी, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों अपाची RTR हमारी बाइक पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और ये BS6 है न्यू मॉडल। तो दोस्तों इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। तो ब्रेक में कोई भी दिक्कत आ रही है आपको तो उसे ज़रूर चेक करा लें।